लाखन सोरेन और उर्मिला सुपरस्टार संथाली एक्टर लाखन सोरेन जी हाँ और उर्मिला का सबसे बड़ा राज का पर्दाफाश करूंगा दोस्तों मैं आज। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाखन सोरेन और उर्मिला के बीच में ऐसा कौन सा राज है जो आपको जानना होगा। देखिए दोस्तों मैं सिंपल बता दूं, एक गरीब मजदूर एक गरीब किसान कोई भी करोड़पति अमीर बन सकता है कुछ तरीकों को फॉलो करके। लाखन सोरेन ने भी कुछ ऐसा तरीका फॉलो किया है। आज का वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेते हैं और समझ जाते हैं तो आप कोई भी हो, आप अगर एक विद्यार्थी हो, आप एक आम इंसान हो, आप एक मजदूर हो, आप एक टीचर हो, आप एक स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा एक ही मकसद है, सबका साथ सबका विकास। तो आज मैं आपके विकास की एक ऐसी गाथा, एक ऐसा तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके बड़े बड़े सुपरस्टार लाखन सोरेन, उर्मिला और रामेश्वर प्रोडक्शन जैसे यूट्यूब चैनल सक्सेस हुए हैं, आपको भी सफलता मिलेगी। जो मैं सीखता हूं वो मैं आपको सिखाता हूं, यही मेरा कर्तव्य है, यही इसी काम में मैं लगा हुआ। दोस्तों मैं स्पेशली बात कर रहा हूं आज के वीडियो में कि कैसे आप अमीर बन सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी कुछ हो पाएगा। जिसको अगर लग रहा है कि आज मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूं, आपको वीडियो अभी छोड़ दीजिए, लेकिन आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं दोस्तों, आज का आने वाला कल आपका आज सब कुछ बदल जाएगा। कैसे लाखन सोरेन अमीर बने, कैसे उर्मिला मरांडी इतनी बड़ी सुपरस्टार बनी, ये अलग चीज है। वो सुपरस्टार होंगे लेकिन एक करोड़पति अमीर नहीं है अभी तक। कैसे बन सकते हैं आप, कैसे बन सकते हो? एक 10 रुपए कमाने वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है। जी हाँ, एक नॉर्मल सा मजदूर भी करोड़पति बन सकता है। एक नॉर्मल सा घर के परिवार का आदिवासी परिवार भी कोई भी अमीर बन सकता है आज के इस वीडियो को अगर वो समझ लेते तो। ठीक है दोस्तों, मैं सिंपल शब्दों में बताऊंगा, इनकम पैसा कमाने का दो जरिया होता है। एक को कहते हैं एक्टिव और एक को कहते हैं पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है कि जब तक आप कोई भी काम करते हैं तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। ध्यान से समझिएगा, जब तक आप कोई भी काम करते हैं तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, वो कहलाता है एक्टिव। एक डॉक्टर मरीज का इलाज करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। एक मजदूर जब मजदूरी करेगा तो उसको उसका पैसा मिलेगा। एक टीचर बच्चों को पढ़ाएगा तो उसको उसका पैसा मिलेगा। एक एक्टर डांस करेगा तो उसको उसका पैसा मिलेगा। एक सिंगर गाना गाएगा तो उसको उसका पैसा मिलेगा। तो ये सारे एक्टिव इनकम होते हैं, यानी जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा कमाओगे, लेकिन पैसा तो कमाओगे। और दूसरा इनकम का जरिया होता है पैसिव, जहां पे आपको कोई काम ना करना पड़े लेकिन पैसा आता रहे। सोचिए ऐसा कौन सा तरीका है और क्या ऐसा आप कर सकते हैं जहां पे आप कुछ कर नहीं रहे लेकिन पैसा आ रहा। आप कुछ कर नहीं रहे लेकिन पैसा आ रहा, ऐसा क्या है? बहुत सारे ऐसे तरीके आज के डेट में दोस्तों जो आपको समझना जरूरी है। पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम का जरिया होता है जिसमें बिना आपके कुछ किए आपके घर में पैसा आता रहता है, कंटिन्यू रोटेट होता रहता है, और वो पैसा आपको करोड़पति बना सकता है, आपको अमीर बना सकता है, आपको वो सब दिला सकता है जिसकी आपकी चाहत है, जो आप चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो, जो ऐसा जैसा घर चाहते हो, सपनों जैसा घर, सपनों जैसा परिवार, सपनों का गाड़ी, ताजमहल, कुछ भी आप ले सकते हो, इतना अमीर बन सकते हो। बड़े बड़े रतन टाटा या हमारे देश के जितने भी अमीर करोड़पति है ऐसे ही कुछ करके बने हैं। कैसे बने हैं? देखिए मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, पैसिव इनकम जहां आपको कुछ करना नहीं पड़े। आपने कुछ ऐसा किया, अब आप एक बार आप कर दिए, आप हर दिन आपको पैसा आ रहा, क्या ऐसा तरीका है? तो पैसे से पैसा कमाना सीखना होगा आपको। यहां से वीडियो शुरू होती है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। पैसा से पैसा कमाना अगर आप सीख गए ना, बहुत कुछ। देखिए पैसा सब कमाते हैं लेकिन पैसा को कैसे पैसा से पैसा बनाया जाए ये हर किसी को नहीं पता है, और हर कोई इस चीज को यूज भी नहीं करता है और डरते हैं लोग यूज करने से। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, मगर मैं ऐप का प्रचार नहीं करूंगा, किसी भी ऐप का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐप हैं जिसमें फ्रॉड भी होती है, चोरी बेमानी भी होती है, तो मैं किसी ऐप के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि पैसे से पैसा कैसे कमाएं आप, ये एक तरीका है जिससे आप अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, देखिए पैसा सबको कमाता है लेकिन पैसा को बचाता भी है, बहुत कोई बचाता है कि भाई कम खर्चा करना है, जो जरूरत है वही लेना है, तो पैसा बचाने से भी आप अमीर नहीं बनेंगे। अब उस बचे हुए पैसा को सही जगह लगाना होगा, क्योंकि जो अभी का सिचुएशन है वो हर दिन महंगाई बढ़ रही है। अभी आपने जो चीज 10 रुपया का खरीदा है वो कल 20 रुपया भी हो सकता है, 25 रुपया भी हो सकता है, मगर आपके पास आपने 10 रुपया रखा हुआ है तो वो 10 से 20 नहीं होगा,
अगर आप उसको सही जगह नहीं लगाएंगे तो उस 10 से 20 नहीं होगा। तो पैसे को इन्वेस्ट करना आपको सीखना होगा कि पैसे को किस जगह पे इन्वेस्ट करें कि वो पैसा मेरा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट आपको सीखना होगा, पैसा से पैसा बनाना सीखना होगा। इसका दो तरीका है, इसका दो तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। इसका दो तरीका आज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। एक तरीका आम गांव देहात के लोग भी कोई भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, मान लो बहुत है, तो आप कोई ऐसा चीज खरीद लिए जिसका कीमत आगे चल के बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है, जिसका कीमत आगे चल के बढ़ने वाला। जैसे कि कोई जमीन हो गई, जैसे कि कोई सोना हो गया, इस तरह का आइटम क्या होता है कि हमेशा उसकी कीमत बढ़ती है, समय के साथ वैल्यू बढ़ता है, घटता नहीं है, जमीन का वैल्यू बढ़ता ही है अगर है आपके पास तो। वो एक तरीका सिंपल वो हो गया। दूसरा तरीका, दो ऐसे तरीके जिससे आप पैसे से पैसा बना सकते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट कर करके। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट अगर आपको नॉलेज है तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये जुआ के बराबर और रिस्की है, बहुत रिस्की है। तो रिस्क नहीं लेना है, सही तरीका अपनाना है। म्यूचुअल फंड थोड़ा सा सही है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी होती है, एक मान लो कि एक प्रोफेशनल होता है जो क्या करता है, कंपनी को स्टडी करता है कि कौन सा कंपनी आगे जाकर के ज्यादा कमाएगा। तो आप मान लो 500 रुपये लगाए तो वो क्या करेंगे ना, आपको 500 रुपये को 10 कंपनी में छोटा छोटा टुकड़ा बांट देंगे। तो 10 कंपनी में लगाए, मान लो दो कंपनी नुकसान में गया, 8 कंपनी फायदा में गया, तो 8 कंपनी का फायदा आपको मिलता है, इनडायरेक्टली आपका नुकसान नहीं होता है। तो म्यूचुअल फंड एक सही इन्वेस्टमेंट है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐप है जिससे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और धीरे 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 डे बाय डे आप अमीर बन सकते हैं। अब आपको दिमाग लगाना होगा कि पैसा से पैसा कैसे कमाया जाए। तो यही एक तरीका है जिससे आप अपना जीवन को बदल सकते हैं, आप काफी हद तक अमीर बन सकते हैं पैसा से पैसा कमा करके। पैसा लगाइए और उसी पैसा से पैसा कमाइए। दिमाग लगाइए कि आपके आस पड़ोस में, देखिए सबका सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है, तो मैं अपनी उदाहरण दे रहा हूं और मैं बताऊंगा मैं क्या करता हूं पैसे से पैसे कमाने के लिए, ये मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि आपको एक दिमाग लगाना होगा कि आप पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आप पैसा से पैसा बनाना सीख जाए। आपके आस पड़ोस में ऐसा क्या है जहां पे आप पैसा लगाए और उस पैसा के बदले में आपको पैसा मिल जाए? जी हाँ, तो ये एक पैसिव इनकम बन जाएगा जहां पे आपको बिना कुछ किए भी पैसा आता रहेगा। तो सोचिए कि आपके आसपास में ऐसा क्या है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हैं पैसा से पैसा कमाने का। मैं क्या करता हूं इसका एक नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं पैसा से पैसा कमाने के लिए क्या करता हूं और आप क्या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। फिलहाल मैंने एक म्यूचुअल फंड का जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, उस ऐप का रिव्यू इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाला है जिसका नाम है ग्रो, प्ले स्टोर में आसानी से मिल सकता है और मैंने लिंक भी दे दिया है। आप चाहो तो इसमें जाकर के 500 रुपए लगा के SIP स्टार्ट कर सकते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक म्यूचुअल फंड लगा सकते हो और सही तरीका अपना करके पैसा कमा सकते हो। मैं किसमें इन्वेस्ट करता हूं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, फुल रिव्यू के साथ में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए और आप कैसे पैसा कमा सकते हो। सनम को, दोस्तों को जोहार, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना तरीका भी जरूर बताइएगा और हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड।